क्या जजमेंट डे को एनएक्सटी में शिफ्ट किया जाएगा? क्या रिया भी अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ एनएक्सटी ब्रांड में शिफ्ट हो सकती है? क्या WWE सिर्फ रिया को ही रॉ में रखना चाहती है ताकि जय और रिया का चक्कर चलवा सके? कैसे अब रिया जय उसो का जीना हराम करेगी? भाइयों, आजकल WWE के मैनेजमेंट वाले कुछ अलग ही सूखे नशे करके बैठे हैं। हर बड़े रेसलर और उसकी स्टोरी लाइन को एनएक्सटी में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे ऑडियंस का मजाक खराब हो रहा है और स्टोरी लाइन में लंबा ब्रेक आ रहा है। पिछले दो हफ्तों से लग रहा था कि रिया और जय उसो के इंटरेक्शन के बाद हमें कुछ अलग बवाल देखने को मिलेगा और दोनों के बीच में कुछ अलग कहानी देखने को मिल सकती है, लेकिन WWE ने इस स्टोरी को ब्रेक पर रख दिया और डोमिनिक के मैच को फिक्स कर दिया और उसमें रिया को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। जय उसो जजमेंट डे को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे रिया को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन रिया अपनी टीम के साथ NXT चैंपियनशिप में बिजी रहने लगी है और शायद आगे हमें देखने को मिल सकता है कि 2-3 हफ्ते डोमिनिक मिस्टीरियो की वजह से जजमेंट डे को NXT में ही रहना पड़ेगा, जिससे जय और रिया के बीच एक भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगी। जय उसो और कॉडी रोड्स का मैच तो जजमेंट डे के साथ फिक्स हो गया है, तो इसी की वजह से उनके बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी कि कैसे ना कैसे करके अपने ओपोनेंट को कमजोर किया जाए या उस पर अटैक किया जाए। और जजमेंट डे वाले तो हैं ही काफी शैतानी, तो वो कुछ तो साजिश रचेंगे ही जय उसो और कॉडी रोड्स के खिलाफ। तो उसी के बैकफायर के चक्कर में जय उसो भी जजमेंट डे पर गुस्सा हो सकते हैं और रिया और जय उसो के बीच में हमें मैच से 1-2 दिन पहले कुछ गर्म गर्मी का माहौल देखने को मिल सकता है। और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि कुछ अफवाह ये भी फैल रही है कि रिया जय उसो के साथ मिली हुई है और वो मैच वाले दिन जय उसो का साथ देगी जजमेंट डे को धोखा देकर। तो भाइयों, ये प्यार कांड काफी लंबा चलेगा, तो आप क्या टिप्पणी देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।